शहर की आबोहवा से रूबरू रहे नवागत नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने आगरा नगर आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। कई वर्ष आगरा में एडीएम सिटी रह चुके अरुण प्रकाश आगरा से खासा परिचित है। इनको आगरा की अच्छाई और बुराई बखूबी वाकिफ है। आगरा शहर की गंदगी को साफ करना और सरकार द्वारा आने वाली नई योजनाओं को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी पूर्णतः निभाने का आश्वासन नवागत नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने दिया है। देखिए, योजनाएं सब बहुत अस्पष्ट हैं और स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, स्मार्ट सिटी, आगरा पहले दूसरे चरण में चयनित हो चुका है एज ए स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी की बृहद स्तर पर प्लानिंग की जा चुकी है। अब उसको अमली जामा पहलाना है। उसके लिए कंसल्टेंटों का चयन और अच्छे कंसल्टेंटों का चयन जो गुणवत्तापूर्वक काम करने में महारत जिनकी हासिल हो, जो इम्पैनल्ड हैं भारत सरकार के कंसल्टेंट, उनको लिया जाए ताकि जिन वो काम को समझें और उस काम को उस ढंग से कर पाएँ। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने उसकी समीक्षा की थी आते ही, तो मुझे लगता है कि उसकी बैठक ले करके जहाँ भी जो भी अवरोध है उसमें, जो भी टेक्निकल दिक्कतें हैं, उसको दूर करते हुए उसको बहुत तेज़ी से स्पीड अप करेंगे। जो इस समय सबसे ज़्यादा निकट जो कार्यक्रम होना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनता को जागरूक करना है कि वो जहाँ कूड़ा जनित हो रहा है, यानी कि उसके घर से ही उसका सेग्रीगेशन, उसका पृथककरण किया जाए गीला और सूखे के रूप में। और जो डस्टबिन है, जैसे जो सक्षम लोग हैं शहर में, तमाम सक्षम लोग हैं, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है 2 डस्टबिन रखना, गीला और सूखा डस्टबिन रख सकते हैं, समर्थ हैं। तो मेरा यही सबसे अपील है, आपके माध्यम से भी अपील है कि 2 डस्टबिन घर में रखें, एक में सूखा कचरा और एक में गीला कचरा दें। बहुत जल्द ही मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ कि सीटी बजा करके हमारा आदमी घरों से कूड़ा इकट्ठा करेगा। ये योजना बहुत पहले भी आ चुकी है और ये यहाँ पे मुझे पता चला कि हरी भरी एजेंसी यहाँ लगाई गई थी जिन्होंने अभी अपना काम स्टार्ट नहीं किया। कल वो मेरे पास आ रहे हैं, मेरी बात हुई थी, आज वो बाहर हैं। टेक्निकल, मैं वही कहने जा रहा था कि उसमें टेक्निकल दिक्कत है। अभी मैंने जब कल उनसे बात की है तो कुछ घरों से उन्होंने कल कूड़ा उठान किया, 400 घरों का उन्होंने मुझे फिगर दिया है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। हमको 100% आगरा के सभी वार्डों में उस योजना को लागू करना है और उसी बात का उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। अब अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या अक्षम हैं, कल वो आ रहे हैं, उनको कल मैंने बुलाया है। सारे एग्रीमेंट और जो पहले से हुए हैं उसको भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और यदि वो नहीं करते हैं तो हम दूसरी रणनीति अख्तियार करेंगे। मैं बिना पूछे अपने अधिकारियों से कि वो डस्टबिन अगर रखे गए थे तो कहाँ गए, तो उनसे मैं जांच करवाता हूँ कि कहाँ गए, किस कौन चोरी हो गया या उसका मिसयूज हो गया या लोगों ने उसको उठा लिया, जो भी स्थिति होगी मैं अपने अधिकारियों से पता करता हूँ कि वो डस्टबिन जो रखे गए थे जिन स्थलों पर वो कहाँ गए, तो उसको जाँच करा कर कार्रवाई करें। बिल्कुल, ये तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपको कि योजनाएं कागज तक नहीं रहेंगी, धरातल पर उसको उतारेंगे और आप ही लोगों के सहयोग से उतारेंगे। अब आगे देखना यह होगा कि शहर में व्याप्त जल भराव की समस्या, पॉलिथिन का प्रयोग, नालों की समुचित सफाई, जनता की उपेक्षाओं और समस्याओं का कितना सफलता से समाधान कर पाते हैं। लेकिन चार्ज संभालते ही मदद के लिए जनता से नगर आयुक्त ने गुहार लगाई है। इसीलिए अपील कर रहे हैं कि देखिए, जन सहयोग के बगैर योजनाएं धरातल पर नहीं जा पाएंगी। जन सहयोग बहुत आवश्यक है, मीडिया का बहुत सहयोग आवश्यक है, लोगों तक हमारी बात पहुंचे, हम किस मनसा से काम करना चाहते हैं और वो उनके लिए किस तरह से लाभप्रद है। सबसे बड़ी बात है, जब तक आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये जितने भी काम हैं वो उनकी भलाई के लिए किए जा रहे हैं, अब वो देखा जाएगा कि उसमें कौन दोषी है, क्यों नहीं खुलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस को लेकर के शौचालयों में प्रॉब्लम हमेशा रहती है, क्योंकि शौचालय आप 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख का बना दिए, उसके बाद पता चला अगर रोज़मर्रा उसमें स्वीपर नहीं है, रोज़ सफाई नहीं हो रही है, तो उसको कोई यूज नहीं करेगा। गंदा अगर हो गया शौचालय, नया भी आपने बनाया है और डेली उसकी सफाई नहीं हो रही है, आप सभी लोग अवगत होंगे, घरों में सबके शौचालय हैं,
आप अपने शौचालय को प्रयोग करते हैं तो कम से कम सुबह एक बार 24 घंटे में शौचालय को फिनाइल से या अन्य जो भी चीज़ें हैं उससे साफ करते हैं, इसीलिए वो यूज करने लायक रहता है। अगर घर में भी आप दो दिन सफाई ना करें तो वो शौचालय भी यूज करने लायक नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो कम्युनिटी प्रयोग कर रही है वो अपनी एक कमेटी बनाए और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अमेनिटीज़ हैं जैसे कि पानी है, बिजली कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें शौचालय बना के वो सब हम उस कमेटी को सौंप देंगे। जो यूजर हैं वही उसकी साफ सफाई रखें और ख़ुद उसको चलाएं अपना मान करके, क्योंकि उन्हीं को यूज करना। तो ये सब नए नए कॉन्सेप्ट हैं जिससे इन चीज़ों को होते हैं, एक लिखापढ़ी के लिए और दो सुबह शाम सफाई के लिए। आठ आठ घंटे की ड्यूटी जो लगाते हैं वो, तो तीन कर्मचारी कम से कम है। अगर आज की स्थिति में सुलभ इंटरनेशनल को उन तीन कर्मचारियों को पे करना हुआ तो कम से कम मैं समझता हूँ 21-22 हज़ार रुपये उसको महीने देना पड़ेगा। अगर उस शौचालय में वो यूजर चार्जेस से 21-22 हज़ार रुपये नहीं कमा पाएगा तो निश्चित ताला बंद हो जाए। आगरा से पुराना ताल्लुकात होने के कारण नवागत नगर आयुक्त अरुण प्रकाश के स्वागत सम्मान के लिए सुबह से ही तांता लगा रहा। वहीं इस मौके पर सपा के पार्षदों ने भी नवागत नगर आयुक्त को पुष्प देकर स्वागत और सम्मान किया। आज नगर निगम में नगर आयुक्त जी ने कार्यग्रहण प्रसंग ले लिया था। इसी के बाद हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं पूरे पार्षद दल ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पार्षदों के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए आगरा शहर के जनहित में वो अच्छे काम करेंगे। बस अब देखना यही होगा कि नवागत नगर आयुक्त अरुण प्रकाश शहर की दशा को किस हद तक सुधार पाते हैं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन